14 अप्रैल को हर साल की तरह इस साल भी मुल्क भर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। नांदेड़ शहर में भी भीम जयंती की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है और कई लोग खरीदारी में मसरूफ है। इसी तरह मुस्लिम भाइयों का मुकद्दस महीना माह रमजान भी चल रहा है। गर्मी की शिद्दत के सबब दिन के अवकात में रोजादार बाहर घूमने से गुरेज कर रहे हैं और इबादतों में मसरूफ है। रात के वक्त तरावी के बाद लोग खरीदी के लिए निकलते हैं, मगर पुलिस की जानिब से शहर में 10 बजे के बाद दुकानें बंद कराई जा रही है। इस ताल्लुक से मोहम्मद अली रोड, बरखी चौक, चौक बाजार ताजरीन ने इलाके के मुस्लिम कायदीन और जुनूबी असम्बली हलके के रुकने असम्बली मोहन हमबर्डे से मुलाकात करके उन्हें हालात से आगाह किया था। इस मामले में नांदेड़ जुनूब के एमएलए मोहन हमबर्डे ने जिला एसपी श्री कृष्ण कोकाटे के नाम एक मकतूब पेश करते हुए मुतालबा किया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती और रमजान अल मुबारक के मद्देनजर दुकानों को रात 10 बजे के बजाय 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत दी जाए। जिला एसपी ने इस ताल्लुक से मुस्बित इकदाम करने का तयखुन दिया था। मार्केट को रात देर तक खुला रख दिए जाने पर ताजरीन ने एमएलए मोहन हमबर्डे और एसपी श्री कृष्ण कोकाटे व मुकामी पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, फिलहाल माह रमजान मुबारक का महीना जारी है और इस मुस्लिम फेस्टिवल और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी अनकरीब आने वाली है। ऐसे मौके पर शहर में ख़रीदारी की गहमा गहमी है, लेकिन मौजूदा हालात में मार्केट 10 बजे बंद हुआ कर रहा था, लेकिन ये दो फेस्टिवल होने की वजह से चौक के मार्केट के व्यापारियों ने दक्षिण के आमदार मोहन राव हमबर्डे से नुमाइंदगी की कि हमको अभी जो वक्त है ये वक्त नाकाफ़ी है, इसलिए कि शिद्दत की गर्मी होने की वजह से मुसलमान रोज़े की हालत में शिद्दत की गर्मी में ख़रीदारी नहीं कर सकता, इसलिए देर रात लोग ख़रीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसी हमने अपनी बात हमारे मुकामी रुकने असम्बली से की तो उन्होंने अपनी क़यादत में हम व्यापारियों को साथ लेकर और हमारे साबिका अवामी नुमाइंदे जिसमें शमीम अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार, चांदपाजा खुरैची, मुंतजिबुद्दीन वगैरह की साथ लेकर एसपी साहब से नुमाइंदगी की और एसपी साहब ने ये वक्त बढ़ाकर देने का तयखुन दिया और अभी पुलिस प्रशासन का अभी व्यापारियों को सहूलत मुहैया हो रही, इसके लिए हम एसपी साहब नांदेड़ श्री कृष्ण कोकाटे साहब और हमारे हरदिल अजीज़ रुकने असम्बली मोहन राव हमबर्डे का शुक्रगुजार है और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है और जो है तो हम मोहन राव हमबर्डे साहब का एक नंबर लेकर उन्हें कॉल किया कि सर हमें जो है तो रात में 10 बजे पुलिस प्रशासन जो है बंद कर रहा है और हमें वक्त जो है तो काफ़ी नहीं हो रहा है, इसलिए जो है तो हम फ़ोन करें मोहन राव हमबर्डे साहब को कि जो है तो उन्होंने ठीक है एसपी साहब से जो है एसपी ऑफिस में आप लोग आ जाइए, जो है तो हमें व्यापारियों को बुलाकर वहां पर एसपी साहब से बात कराकर हमारे लिए जो है तो रात में जो है तो टाइम बढ़ा कर दिए हैं, इसलिए हम जो है मोहन राव अम्बाडे साहब का एसपी साहब का शुक्रगुजार हैं। हरिद्वारा पुलिस स्टेशन के भी पीआई साहब, डीवाईएसपी साहब, सारे कर्मचारी के भी हम शुक्रगुजार हैं। अल्लाह का शुक्र एहसान करीम है कि आज हमारे जो एमएलए साहब है और हमारे जो व्यापारी है मोहम्मद रोड के सब ने जो मिलकर एसपी साहब से जो मुलाकात करके हमें उन्होंने जो परमिशन दिया है टाइम बढ़ाकर, अब तमाम हजरात से गुजारिश है कि नांदेड़ के मार्केट जो है तो देर रात तक चालू रहेगा और हमारे जो इतवारा थाने के हमारे सर्कल साहब हैं उनका भी हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमें टाइम बढ़ा कर दिया है और मार्केट में देर रात तक मार्केट चालू रहेगा। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि हमारे एमएलए साहब और हमारे एसपी साहब ने व्यापारियों की जो मांग थी वो पूरी की। इंशाअल्लाह ताला आप हजरात से गुजारिश है कि आप आराम से खरीदी कर सकते हैं, देर रात तक खरीदी कर सकते हैं।